दोस्तों, आज मैं जो पौधा बताने जा रहा हूँ, ये पौधा आप देख लीजिए। इसको पहाड़ी गंधना के नाम से जाना जाता है और एक ये दूसरे प्रकार का कुकरौंधा है। दोस्तों, ये भी कुकरौंधा की प्रजाति है जो बहुत ही दिव्य और चमत्कारी है। आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह होते हैं मखमली, ये छूने से मखमली की तरह लगते हैं, मुलायम मुलायम। इसके पत्ते भी मखमली होते हैं और इसमें छोटे छोटे से रोएं होते हैं। पूरे पत्ते का पूरे पौधे में ही रोएं होते हैं। आप इसको देख लीजिए, यह है कुकरौंधा नंबर दो। और इसको हम पहाड़ी गंधना के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हल्की हल्की खुशबू आती है। दोस्तों, ये बेशकीमती प्रयोग है चर्म रोग को दूर करने के लिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, चर्म रोग कैसा भी चर्म रोग हो, जो जांघों के नीचे की जिद्दी दाद होती है उसको भी ये ख़त्म करने का गुण रखता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की दाँत खाज खुजली हो, कहीं पर भी हो, शरीर के हाथ में हो, पैर में हो, पीठ में हो, पेट में हो, मुंह में हो, कहीं पर भी हो, तो वो दाँत खाज खुजली बढ़ती ही जाती है, ऐसे में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और चेहरे की स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चेहरे के कील मुहासों को और चेहरे में हो रहे झाइयाँ रिंकल्स पिंपल्स को दूर करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो आप जो पौधा देख रहे हैं, ये चर्म रोग का नाश करता है। चर्म रोगों में समस्त प्रकार की दांत खाज खुजली, पामा, छाजन, अकौता, कील मुहासे, दाग धब्बे, झाइयाँ आ जाती हैं। तो उन सभी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, रिंकल्स, पिंपल्स, झाइयाँ, कील मुहासों को दूर करने के लिए आप इसके पंचांग को ले लें और पंचांग को लेकर के चटनी की भांति पीस लें, और पीस करके जब ये गाढ़ा गाढ़ा लेप की तरह हो जाए, तो अगर मुँह को साफ करना चाहते हैं, मुँह के दाग धब्बे, कील मुहासे को दूर करना चाहते हैं, झाइयाँ, रिंकल्स, पिंपल्स को दूर करना चाहते हैं, तो शाम को इसका लेप बना करके सो जाएं और सुबह आप धो लें। ऐसा अगर आप 10-15 दिन करते हैं तो देखेंगे कि ये आपके चेहरे को गोरापन, चमकदार बना करके आपके चेहरे में रिंकल्स, पिंपल, झाइयाँ, कील मुहासों को दूर कर देता है। और जिनको जांघों में जिद्दी दाद होती है, उनको कुछ प्रयोग ऐसे ही करना है कि इसको पीस करके पंचांग को, और फिर आप अगर जांघों के जिद्दी दाद पर इसको हल्के हाथ से मालिश करते हैं इसको, तो फिर ये आपके जांघों की जिद्दी दाद को दूर कर देता है। और जिनको भी शरीर में कहीं पर भी दाग धब्बे और भी चर्म रोग, दाँत खाज खुजली, पामा, छाजन, अकौता हो, तो इसको पीस करके लगाने से वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग 10 से 15 दिन करेंगे तो रिजल्ट पाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कितने अच्छी तरीके से आपके चर्म रोग को दूर करता है।